हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सबका। और इस समय मैं हूँ रियासी में, और रियासी से अभी मुझे जाना है अपनी बुआ जी के घर, जहाँ 2-3 किलोमीटर गीतानगर एक जगह का नाम है। और बड़ी अचारे की बात यह है कि आमतौर पर मैं ऑटो से जाता हूँ या फिर कोई लिफ्ट वगैरह ले लेता हूँ, चला जाता हूँ 2-3 किलोमीटर। लेकिन आज मेरे भतीजे जो कि मेरे गाँव से ही हैं, वो एक डैम्पर यानी चलाते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे मिल गया तो कहने लगे चाचू आ जाओ आ जाओ, मैं आपको ऊपर तक ले जाता हूँ। तो आज इसकी ड्राइवरी देखिए, 2-3 साल हो गए इस लड़के को मतलब ड्राइविंग करते हुए। तो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, ये मतलब गाड़ी चला सकता है। और पूरी वीडियो आप देखिए। और सबसे बड़ी बात ये, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है वहाँ पर ये काम कर रहा है। तो चिनाब नदी पर जो बन रहा है ब्रिज, उस साइड में ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो सारा काम मतलब कि इसी गाड़ी से ले आना जाना। वाइकट कर गाड़ी बंद कर उठाना। तो इस समय अभी रियासी से मैं निकला हूँ और सीधे जा रहे हैं ऊपर। तो वहाँ बैठ के कुछ देखते हैं, खाएंगे और फिर जी चला जाएगा अपने सलाल, एक जगह का नाम है जहाँ इसको आज नाइट स्टे करना है। और मैंने तो इधर ही करना है क्योंकि कल मुझे जाना है अपने गाँव में। तो अभी इसकी पूरी वीडियो देखो। तो ये देखो, ट्रक ड्राइवर, ये देखो साथ में छोटा छोटा म्यूजिक भी लगाता है, ये शौकीन है म्यूजिक का। तो चलो फ्रेंड्स, पूरा रियासी का नजारा मैंने आपको दिखा लिया। तो अब थोड़ा ही दूर है रह गया जहां मैंने उतरना है, और लगभग जो है 5 से 7 मिनट की राइड जो है अपने इस भतीजे के साथ कर ली। और फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये भी गांव जाए, तो हम मेरा और इसका घर भी पास पास ही है। तो चलो, ये है गीतानगर का एरिया जो रियासी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से मुझे लगता है कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और उसके बाद हम बैठ के दोनों चाचा और भतीजा खाएंगे कुछ, और उसके बाद ये चला जाएगा अपने काम की ओर, और मैं अपने यहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ मेरी बुआ जी का भी घर है, तो वहाँ स्टे करूँगा। देन कल फिर जो है मेरा यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर मेरी गाँव की जो जर्नी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से ही रहेगी। और फिलहाल एक बारी और मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये ड्राइविंग इस समय कर रहा है, बात तो नहीं मैं करूँगा ज़्यादा, पर इतना जरूर पूछूंगा कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए राकेश बच्चा? 4-5 साल हो चुके हैं इसको गाड़ी चलाते हुए। तो इस ड्राइवरिंग के काम से मतलब अभी तक संतुष्ट हो जा, क्या चाहते हो कि कुछ और काम भी करूं मैं? पार्ट टाइम और भी कुछ करेंगे। अच्छा, पार्ट टाइम कुछ और भी करेंगे। तो कितने घंटे गाड़ी चलाते हो आप दिन में? दिन में हम सुबह निकलते हैं 5:30-6 निकलते हैं। और कितने घंटे रहता है दिन का मतलब ड्राइविंग आपका? मतलब सुबह 5-6 बजे निकलते हैं, इसका कहना यार बहुत हार्ड वर्किंग है मतलब इसका। हाँ, दो तीन घंटे दिन में कहते हैं कि रेस्ट मिल जाती है, और बाकी यार शाम के 5-6 बजे गाड़ी तक चलाना पड़ती है। तो कुल मिला के मतलब कितनी अर्निंग कर लेते हो आप? मतलब मंथली होता है, क्या सिस्टम है थोड़ा बताओगे? 18-20 हजार और इससे ज्यादा का। मतलब एक ड्राइवर की जो सैलरी है यार 18 से लेकर 20 हजार रुपया सैलरी है, जो की समय मेरा भतीजा जो इसकी सैलरी है, बाकी हो सकता है अलग अलग ड्राइवर। वैसी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी जैसे आगे जा रही है आपकी? नहीं, मेरी इससे बड़ी। हाँ, इससे बड़ी गाड़ी है जो ये चला रहा है। तो कितने टायर की है? 6 टायर की गाड़ी है। तो बस यार वो जगह आ गई है जहाँ हमने रुकना है, और कुछ खाएंगे, देन उसके बाद ये अपने उधर चला जाएगा। बहुत इसका लंबा सफर है 2-2.5 घंटे का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे। तो चलो, ये वो दुकान आ गई जहाँ हम कुछ खाएंगे और चाय वगैरह पियेंगे, देखेंगे अगर होगी तो। तो फ्रेंड्स, ये आ गई कलाड़ी हमारी, देख सकते हो आप, और ये चटनी, और ये राकेश। तो अभी हम लोग खाएंगे।